नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में अपने तीसरे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का सपना लिए इंग्लैंड पहुंची टीम इंडिया अपने सपने को साकार करने के लिए जीतोड़ कोशिशों में लगी है, लेकिन लगता है लक कहीं ना कहीं भारतीय टीम के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। अभी तक के हुए भारत के चार मैचों में से तीन मैच भारत ने जीते और एक मैच जो न्यूजीलैंड के साथ था वो तो बारिश ने ही धो दिया। लेकिन यहाँ लक की बात हमने इसलिए की क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शानदार बल्लेबाजी कर गब्बर ने जैसे कंगारुओं को धोया, उसके बाद उनसे उम्मीदें बढ़ गई और साथ ही तीसरी बार विश्व कप घर लाने की भी उम्मीद। लेकिन उनको ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज नाथन कुल्टर नाइल की गेंद पर बाएं अंगूठे में चोट आने पर और फिर उनके अगले तीन हफ्ते तक नहीं खेल पाने ने टीम इंडिया को बहुत ही बड़ा झटका दिया। शिखर धवन को लेकर चर्चाएं बहुत हुई, लोगों ने किसी भी तरह धवन को टीम में वापस मांगा, लेकिन उनको कम से कम दो तीन हफ्ते तो ठीक होने में लगेंगे। उनकी जगह पर माना गया कि ऋषभ पंत को टीम में लाया गया है, हालांकि पाक बनाम भारत के बीच मैच में तो पंत नहीं दिखे। हाँ, लेकिन रोहित के साथ केएल राहुल जरूर ओपनिंग करने मैदान में उतरे। शिखर धवन का टीम इंडिया को झटका क्या कम लगा था कि इसके बाद भारत बनाम पाकिस्तान के मैच में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार चोटिल हो गए। अब भुवनेश्वर कुमार भी बाएं पैर में खिंचाव की वजह से अगले दो तीन मुकाबले नहीं खेल पाएंगे। भुवनेश्वर की चोट की गंभीरता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वो अपना तीसरा ओवर भी पूरा नहीं कर पाए थे और तीसरे ओवर की मात्र चार गेंदें फेंक कर मैदान से बाहर चले गए थे। उनकी जगह पाकिस्तान के खिलाफ पहली बॉल पर ही विकेट चटकाने वाले विजय शंकर को दो गेंद डालनी पड़ी थी। फिर बाद में भुवनेश्वर कुमार के इस मैच में गेंदबाजी नहीं करने की खबर आई थी। पाकिस्तान पर जीत के बाद भुवी की चोट पर बात करते हुए कैप्टन विराट कोहली ने कहा, भुवनेश्वर के बाएं पैर में खिंचाव है, ये खिंचाव गेंदबाजी के दौरान पैर फिसलने की वजह से आया है। हो सकता है कि वो अगले दो तीन मैच नहीं खेल पाएं, लेकिन फिट होते ही टीम में वापस लौटेंगे, वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कोहली के मुताबिक भुवी की गैर मौजूदगी में शमी टीम का हिस्सा होंगे। बता दें कि भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार का नाम शुमार है। उनकी खासियत है उनकी स्विंग गेंदबाजी, जिसके दम पर वो अक्सर बल्लेबाजों की नाक में दम कर देते हैं। भुवनेश्वर कुमार को अगर भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। गेंदबाजी के दम पर भारतीय क्रिकेट इतिहास में भुवी ने ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं जिसे कोई भी भारतीय गेंदबाज अब तक हासिल नहीं कर सका है। भुवी ने टेस्ट, वनडे, टी20 में ऐसे ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिसकी और किसी भारतीय गेंदबाज से कल्पना करना भी शायद मुश्किल ही है। लेकिन अब जब वो चोटिल हो गए हैं तो फिर तो किसी न किसी गेंदबाज को उनकी जगह लेनी ही होगी। चर्चा है कि मोहम्मद शमी अगले दो तीन मुकाबलों के लिए भुवनेश्वर कुमार को रिप्लेस कर सकते हैं। हालांकि भुवी और गब्बर के फैंस उनकी कमी को टीम में जरूर महसूस करेंगे।